और चिल विद रोज का मकसद यही है कि चिल मारो जी, टेंशन है पनामा की चिल करो जी, आपको क्रिकेट की टेंशन है चिल करो जी, आपको हॉकी की टेंशन है, लड़कियां क्रिकेट वाली हार गई चिल करो जी, घर में खाने को नहीं है पर टीवी तो है, केबल तो है, यही हमारी जिंदगी है। तो चिल विद रोज की तरह, रोज रोज की तरह आज भी हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे मेहमान है। सबसे पहले जो मेहमान है हमारे बड़े अच्छे से दोस्ती है, रूबरू बड़े अच्छे बात मिले हैं, पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। कैसे रोशन कर रहे हैं? उस तरह की जिस तरह हमारे बहुत से लोग पनामा केस में कर दिया या कुछ खा के बाहर भागे, नहीं, ये बाहर गए हैं, एक तो पैसा कमा के यहां बेचते हैं, सर मुबादला बेचते हैं, फिर एंकर बहुत अच्छे हैं, सरकारी मीडिया के साथ भी वहां पे जापान पे ये हमारे कारे खास भी हैं, आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं, एंकर बहुत अच्छे हैं, और सबसे बढ़कर ये कि जापान में जापानियों के साथ ये मेरा यार जापानी में बात करता तो बड़ा मजा आता है। हुमायूं मुगल साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अच्छा सब, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, शुक्र अल्लाह का। जापान से आप आए हैं और बड़े अरसे बाद आए हैं थोड़े दिनों के लिए, और रोज ने हमने सोचा कि आज आपको पूरी दुनिया के सामने लाइव दिखा दें कि हम आए आ गए। कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का सब। तो जापान में इन दिनों कैसा मौसम था? सर ऐसी गर्मी है, जैसे यहाँ तो 42 तक गया है ना, वहाँ पे भी 38 तक जाता है। शुक्र है मैं नहीं गया, वैसे जवान ही नहीं देते। बहुत सी बातें होंगी हुमायूं, आज आपके साथ कोई बहुत खुशामदीद कहता हूँ सब लोग। इससे पहले कि मैं हुमायूं से या अहमद साहब से कोई बात करूं, मैं चाहता हूँ शुरू में छोटा सा गुलाब जो जो आप चाहें जो जरा जी इसको एंजॉय करते हैं जी, फिर साथ साथ कैप्शन बनते रहेंगे। पाकिस्तान के अलावा हर जगह है। अच्छा ऑनेस्टी तो हर जगह है, जापान के लोगों को पाकिस्तान के बारे में क्या विकास हुआ? पाकिस्तान के बारे में बड़ा, पाकिस्तान से बड़ी मोहब्बत है उनको। पहले मैं बताऊं, मैं छात्रियों को लेके आया करता था यहाँ पे, उनको यहाँ नेचर से बड़ी मोहब्बत है, यहाँ सिल्क रोड जाना, पहाड़ों से मोहब्बत है, नेचर से मोहब्बत है, वो कहते हैं वी लव पाकिस्तान। लेकिन अब ये जो हालात खराब हुए ना, मतलब अमन खराब हुए, वो अमन वाले लोग वैसे ही घबराते हैं, तो वो आना छोड़ दिया उन्होंने, लेकिन दे लव पाकिस्तान। लेकिन अभी मैं मुख्य जगह पूरा पाकिस्तान उन्हें जाना होता है, जो नॉर्दर्न एरियाज हैं वो आते जरूर हैं, आते हैं, अभी आते हैं, अब वो कट्ठे नहीं आते, कट्ठे नहीं आते, कट्ठे नहीं आते, छोटे छोटे करके ना, वो छोटे छोटे अपने इलाके से आते हैं, जहाँ जो अपना माउंटेन पे जाके माउंटेन क्लाइंबिंग की वहीं से होती है। तो जापान में शादी वाली जापान में की आपने? जी मेरी बीवी जापानी है, 5 बच्चे हैं माशाल्लाह, 2 पोती पोता भी है, अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, तो बच्चे भी सही जापानी आती होगी माशाल्लाह, वो हाफ जापानी है हाफ पाकिस्तानी है। तो वहाँ पे क्या उर्दू बोलते हैं या पंजाबी? वो जापानी बोलते हैं, और यहाँ आते हैं तो 2-4 गाला सीख के चले जाते हैं।
तो यार वो पूछते हैं पापा इसको क्या है। सर जापानी बोली तो आपको आती होगी, तो जापानी जो सिंगर है वो मैंने जो मैंने देखा, क्योंकि मुझे हर चीज देखनी होती है सारी दुनिया के, वो मैंने एक सिंगर देखा है वो दौर खत्म हो गया लेकिन वो माइक पकड़ के पेल किया करके ever right? yes, ऐसे ही है right. तो इनका सबसे मशहूर सिंगर कौन है वहाँ? मशहूर सिंगर तो बहुत है, मतलब मुझे 300 हो गया वहाँ तो जो नंबर है हम सबके नंबर अभी है, तो अभी जितने भी है। और असल में सिंगिंग में भी ना तीन किस्म की सिंगिंग है, जैसे हमारी गजल है ना तो एक ब्रेक करेंगे जी, शहरयार के कहने में एक ब्रेक करेंगे म्यूजिक के साथ, और प्रोग्राम हमारा देखते रहिए। हमारे साथ अहमद नवाज साहब हैं जी, प्रॉपर्टी के वाले से कोई बात करनी हो, जापान जाना हो तो ये वीजा नहीं दे सकता, बता सकते हैं तरीका का क्या है, इमदाद हमारे पास है। म्यूजिक के साथ जी ब्रेक, थोड़ी देर बाद वापस आते हैं। मछली मिलती है। अच्छा